नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। सुबह के 9 बज रहे हैं और जो कल गणतंत्र दिवस पर हिंसा की तस्वीरें आपने देखी, जिस तरह से उत्पात मचाया गया, अब आज की जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो आपको दे दें, जो सबसे अहम जानकारी जो आपके फायदे के लिए है, जो आपको जानना बहुत ही जरूरी है वो आपको दे दें। दिल्ली गाजियाबाद हाईवे जो है वो आज बंद रहने वाला है। सुरक्षा कारणों से NH9 NH24 आज बंद रहेगा। लोगों को वैकल्पिक रास्तों से जाने की सलाह दी गई है। गाजियाबाद दिल्ली के लिए आनंद विहार का रास्ता खुला है। तो NH9 NH24 आज बंद है। दिल्ली गाजियाबाद हाईवे आज बंद है। लोगों को वैकल्पिक रास्ते से जाने की सलाह है। गाजियाबाद दिल्ली के लिए आनंद विहार का रास्ता खुला हुआ है। तो अगर आप इन रूट्स पर जाने की सोच रहे हैं तो ये जानकारी आपके लिए, गाजियाबाद दिल्ली के लिए आनंद विहार का रास्ता आप ले सकते हैं, लेकिन NH9 NH24 आज बंद रहेगा और दिल्ली गाजियाबाद हाईवे भी आज बंद रहने वाला है। तो गणतंत्र दिवस के दिन देश की राजधानी दिल्ली में किसान आंदोलन के नाम पर जो कुछ हुआ उससे पूरा देश शर्मसार। लाल किले पर दंगाइयों का कब्जा, तिरंगे का अपमान, हिंसा और अराजकता की तस्वीरों ने देश की अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती करवाई। तो ये देख रहे हैं आप क्या हुआ था कल गणतंत्र दिवस और गणतंत्र का अपमान कैसे किया गया। गणतंत्र के प्रतीक, हमारे राष्ट्रीय सम्मान के प्रतीक, स्वतंत्रता के प्रतीक लाल किले की प्राचीर पर, जहां हम 1947 से लेकर अब तक तिरंगा लहराते हुए देखते रहे हैं, उसे देखकर गर्व महसूस करते रहे हैं, वहां पर कोई और झंडा लगा दिया गया। तिरंगे का इतना बड़ा अपमान, देश की साख पर बट्टा लगा। और दिल्ली में आज की ये नई सुबह, लेकिन कल की वो तस्वीरें भुलाए नहीं भूलते। तो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर जिस तरह से प्रदर्शनकारियों ने पूरी दिल्ली को बंधक बनाया और हिंसा की, उसके बाद अब सरकार की सक्रियता बढ़ गई है। आज सुबह आपको बता दें 10:30 बजे मोदी कैबिनेट की अहम बैठक है, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। बैठक में कई अहम फैसलों के साथ ही दिल्ली हिंसा मामले पर भी चर्चा हो सकती है। कैबिनेट की बैठक के बाद आज ही सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी की भी बैठक होगी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल हो सकते हैं। और तीसरी अहम बैठक गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हो सकती है, जिसमें दिल्ली में हुई हिंसा के बाद के हालात पर चर्चा के साथ ही आगे की रणनीति पर फैसला हो सकता है। बैठक में गृह मंत्रालय के बड़े अधिकारियों के साथ ही दिल्ली के पुलिस कमिश्नर भी शामिल हो सकते हैं। दिल्ली हिंसा पर गृह मंत्री अमित शाह ने कल भी दिल्ली पुलिस के बड़े अधिकारियों के साथ बैठक की थी और हालात की जानकारी दी थी। ये लाल किले के बाहर की आप इस वक्त तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर जो सुरक्षा व्यवस्था है वो बहुत ज्यादा मजबूत अब कर दी गई है। वहां पर जो सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है, क्योंकि कल जो हमने वहां से तस्वीरें देखी जो बहुत ही दुखद, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक थी, किस तरह से जो प्रदर्शनकारी हैं वो अंदर लाल किले में अंदर घुसने में कामयाब हो गए, यहां तक कि लाल किले की प्राचीर तक पहुंच गए और वहां से उन्होंने अपना झंडा फहरा दिया। इसके बाद एक अहम बैठक बुलाई गई थी और उसमें तय किया गया कि जो सुरक्षा व्यवस्था है लाल किले के आसपास वो और भी ज़्यादा बढ़ा दी जाए। और आप इन तस्वीरों में देख भी सकते हैं कि सुरक्षा जो बल है उनकी तैनाती किस हद तक बढ़ा दी गई है। तो अब बहुत ही अलर्ट है सुरक्षा बल और जो अर्धसैनिक बलों की जो टुकड़ी है वो भी तैनात कर दी गई है, सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि अभी भी आगे की क्या योजना है, किस तरह से ये पूरी की पूरी एक सुनियोजित साजिश के तहत हमने देखा जो कुछ कल हुआ था, क्योंकि इस बात की आशंका पहले से जताई जा रही थी, यहाँ तक कि सीमा पार किस तरह से साजिश हो रही है। पाकिस्तान में 300 से ज़्यादा ट्विटर हैंडल सक्रिय हो गए थे पिछले दिनों और ये आशंका जताई जा रही थी कि कुछ ऐसे तत्व हैं
जो हिंसा भड़काने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन किसान लगातार इस बात पर जोर दे रहे थे कि चूंकि ये गणतंत्र दिवस है वो भी इसमें शरीक होना चाहते हैं और ये बहुत ही शांतिपूर्वक मार्च उनका होने वाला है और इसी वजह से इजाज़त दी गई। और दिल्ली पुलिस ने जो दिशा निर्देश जारी किए थे, जो रूट निर्धारित किया गया था, उस अनुशासन का पालन नहीं किया किसानों ने, आंदोलनकारियों ने, और हमने वो तस्वीरें देखी जिससे पूरे देश का सिर शर्म से झुक गया। और आइए अब हम आपको दिल्ली हिंसा के वो 10 चेहरे दिखाते हैं जिन्होंने अराजकता की सारी हदें पार कर दी। इन्होंने तिरंगे का अपमान किया, इन्होंने पुलिसकर्मियों पर हमला किया। ऐसे में इन 10 चेहरों की पहचान बेहद जरूरी है ताकि इन्हें कड़ी सजा दिलवाई जा सके। दिल्ली में तिरंगे का अपमान करने वाले दंगाई, दिल्ली में पुलिसकर्मियों पर जानलेवा हमला करने वाले दंगाई, दिल्ली में पुलिसकर्मियों पर लाठियां बरसाने वाले दंगाई। गणतंत्र दिवस पर दिल्ली और देश को शर्मिंदा करने वाले इन चेहरों को सजा मिलनी बेहद जरूरी है। इसके लिए जरूरी है सबसे पहले इन दंगाइयों की पहचान होना। ऐसे में आप भी इन चेहरों को पहचानिए और इनको सजा दिलवाने में मदद कीजिए। लाल किले में हजारों की संख्या में उपद्रवी पहुंचे थे जिनमें से कुछ के हाथ में धार्मिक और यूनियन के झंडे भी थे। इन्हीं में से एक शख्स उस लाल किले के गुंबद पर चढ़ गया जहां देश की आन बान और शान तिरंगा फहराता है। इस चेहरे को भी पहचान लीजिए, इसने किया है देश का अपमान और इसे देश के अपमान की सजा मिलनी ही चाहिए। नीले रंग का झंडा लेकर यह शख्स तो लाल किले की प्राचीर पर ही चढ़ गया। देखिए किस तरह लाल किले के प्राचीर पर चढ़कर ये दंगाई मुस्कुरा रहा है। इस शख्स की पहचान भी बेहद जरूरी है क्योंकि इसने भी किसान आंदोलन की आड़ में लाल किले पर चढ़ाई की और देश का अपमान किया। लाल किले में पुलिसकर्मियों पर दंगाइयों ने बड़ा हमला किया। एक दंगाई तो तलवार लेकर ही पुलिस पर टूट पड़ा। देखिए शख्स को किस तरह पुलिस पर तलवार भांज रहा है। इस शख्स और उसके साथियों ने उन पुलिसकर्मियों को घायल किया जो लाल किले पर अपना फर्ज निभा रहे थे। इस शख्स को भी पहचान लीजिए, हाथों में तलवार लेकर बैरिकेड पर चढ़ा यह शख्स कहने को तो किसान आंदोलन का हिस्सा है लेकिन इसकी हरकतें बता रही हैं इसका असली एजेंडा क्या था। ट्रैक्टर रैली को दिल्ली पुलिस की ओर से जिन शर्तों के साथ इजाजत मिली थी उनमें एक शर्त थी हथियार नहीं लाए जाएंगे, लेकिन इसके बावजूद अगर ये तलवार लेकर पहुंचा तो इसके इरादे पहले से साफ थे। पुलिस और मीडिया को लाठी दिखाते इस प्रदर्शनकारी को भी पहचान लीजिए। दिल्ली के इस दंगाई को ना तो पुलिस का डर है ना मीडिया के कैमरों का, इसे अपनी पहचान दुनिया के सामने आने का भी खौफ नहीं। दिल्ली में उपद्रव करने वाला यह शख्स कैसे पुलिस और मीडिया कर्मियों को लाठी दिखा रहा है उससे इसके इरादे भी साफ हो रहे हैं। इस शख्स की पहचान करके इसे सजा दिलवाना भी बेहद जरूरी है। ट्रैक्टर से दिल्ली के अंदर घुसे इन दंगाइयों के सामने जो कुछ भी आया उसे ट्रैक्टर से कुचलने की कोशिश की गई, यहां तक कि ट्रैक्टर से बस को पलटने की भी कोशिश की गई। ट्रैक्टर पर सवार होकर बस को पलटने की कोशिश कर रहे इस शख्स को भी अगर आप पहचानते हैं तो पुलिस को इसकी फौरन खबर दीजिए क्योंकि यह भी दिल्ली में तोड़फोड़ और हिंसा का दोषी है। हद तो उस वक्त हो गई जब ट्रैक्टर पर सवार आंदोलनकारियों ने दिल्ली में पुलिस वालों को कुचलने की कोशिश करनी शुरू कर दी। देखिए कैसे ये शख्स ट्रैक्टर को भगाते हुए आया और पुलिस वालों को कुचलने की कोशिश करने लगा। पुलिस वालों ने किसी तरह भागकर इस शख्स से अपनी जान बचाई, ये भी दिल्ली का गुनहगार है। अब इस शख्स को देखिए जो दिल्ली पुलिस के कर्मचारियों पर लाठी भांज रहा है। एक दो नहीं ऐसे कई चेहरे हैं जिन्होंने दिल्ली पुलिस के कर्मचारियों पर लाठी बरसाई है। पुलिस वाले शांति से खड़े थे, जाहिर सी बात है अगर हथियारों से लैस पुलिस वाले प्रतिक्रिया देते तो हालात बहुत बिगड़ जाते। पुलिस पर हमला करने वालों की पहचान भी बेहद जरूरी है।
पुलिस पर तलवार और लाठियों के साथ साथ पत्थर भी बरसाएगी। तरफ से चल रहे हैं, ये तस्वीरें। इस चेहरे को भी पहचानिए जो पुलिस वालों पर पथराव कर रहा है। पथराव में दिल्ली पुलिस के कई कर्मचारी घायल हुए हैं। लगातार स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की जा रही है। ऐसा नहीं कि सरकारी संपत्ति और सरकारी कर्मचारी ही दंगाइयों का निशाना बने, मीडिया कर्मी भी इन दंगाइयों का निशाना बने। इस पूरे घटनाक्रम की रिपोर्टिंग कर रहे जी न्यूज संवाददाता जितेंद्र शर्मा को भी उपद्रवियों ने घेर लिया। उनको रिपोर्टिंग करने से रोका गया, उनको भला बुरा कहा गया। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के खिलाफ हमलावर इन चेहरों की पहचान भी बेहद जरूरी है। अगर आप इन चेहरों को पहचानते हैं, इन दंगाइयों को पहचानते हैं, तो इसकी जानकारी पुलिस तक पहुंचाइए और गुनहगारों को सजा दिलवाइए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो जिन्होंने तिरंगे का अपमान किया, उन गुनहगारों की गिरफ्तारी आखिरकार कब होगी, ये सवाल हर कोई पूछ रहा है। और तस्वीरें आपको हम न्यूयॉर्क की भी दिखा देते हैं। ये लाल किले की तस्वीर जो आपने कल देखी, जहां उसकी प्राचीर पर ये अपना झंडा लहरा दिया इन आंदोलनकारियों ने। और दूसरी तस्वीर देखिए आप, ये न्यूयॉर्क की तस्वीर है, वहां भी किसानों के समर्थन में नारेबाजी हो रही है और ये झंडे वहां पर भी उठाए जा रहे हैं खालिस्तान वाले। तो लाल किले से लेकर ये खालिस्तानी झंडे जो हैं वो नजर आ रहे हैं न्यूयॉर्क में। ये वहां पर नारेबाजी की जा रही है किसानों के समर्थन में और खालिस्तानी झंडा हाथ में लिया हुआ। और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी राजू राज हैं, इस वक्त लाल किले पर मौजूद। राजू राज, अब हमने भी वो रिपोर्ट दिखाई जिसमें वो चेहरे नजर आ रहे हैं जिन्होंने वहां पर हिंसा की, पुलिस वालों पर उन्होंने तलवारों से लाठियों से हमला किया। अब जो पुलिस का काम है वो कहां तक आगे बढ़ रहा है, कैसे वो अपनी जान पड़ताल कर रही है, क्योंकि ये जो वीडियो फुटेज है वो तो पुलिस के पास भी होगी। तो इन चेहरों की पहचान कर दी गई है और सबसे बड़ा सवाल, कब एक्शन होगा इन गुनहगारों के खिलाफ, कब सजा मिलेगी? मीमांसा, सबसे पहले मैं लाल किले की तस्वीर दिखाना चाहूंगा, क्योंकि कल जो तस्वीर थी बेहद शर्मनाक तस्वीर थी और आज की तस्वीर बिल्कुल अलग है। लाल किले पर एक बार फिर से तिरंगा है और एक बार फिर से देश के लिए जो गौरव की बात है लाल किला, वो आप आज की सुबह आपको जरूर नजर आएगा और पूरे देश को ये तस्वीर जरूर देखनी चाहिए। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि पूरे लाल किले में आप सुरक्षा देख सकते हैं, कितनी संख्या में यहाँ पर सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। दिल्ली पुलिस के अलावा पैरामिलिट्री फोर्स को लगाया गया है यहाँ पर और काफ़ी संख्या में सुरक्षा बल यहाँ पर मौजूद हैं। इसके बाद जो लेटेस्ट जानकारी है कि दिल्ली पुलिस के तमाम आला अधिकारी लाल किला परिसर के अंदर, कैंपस के अंदर, वहाँ पर उनकी मीटिंग जारी है, मीटिंग चल रही है। जॉइंट सीपी रैंक के तमाम आला अधिकारी, DCP सब यहाँ मौजूद हैं, CRPF के भी लोग यहाँ पर हैं, तमो उनकी मीटिंग चल रही है। चूंकि आज काफ़ी अहम मीटिंग होने वाली है, एक दिल्ली पुलिस कमिश्नर और HM के साथ तमाम रिपोर्ट दिया जाएगा। तस्वीरें की बात कही कि तमाम तस्वीरें सामने आई है, दिल्ली पुलिस के पास भी तमाम एविडेंस है और यही वजह इस पूरे मामले में 15 FIR अभी तक दर्ज हो चुके हैं। तमाम CCTV फुटेज हो या फिर जो पुलिस के द्वारा रिकॉर्ड किया गया या फिर मीडिया में जितने फुटेज हैं, तमाम फुटेज का विश्लेषण किया जाएगा। फेस रिकॉग्नाइज सिस्टम के जरिए ये चेक किया जाता है कि जो जो लोग हैं जिनकी तस्वीर कैद हुआ, उस तस्वीर के जरिए उनकी पहचान की जा रही है। और चूंकि कल की घटना है और कल पुलिस को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी थी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, देर रात तक यहाँ पर पुलिस जो यहाँ पर किसान या आंदोलनकारी और उपद्रवी यहाँ पर थे, 150 से ज़्यादा रात में थे, 10-11 बजे के करीब, उनको यहाँ से काफ़ी मिन्नतों के बाद वहाँ से उनको खाली कराया गया। पूरे लाल किला परिसर को सर्च किया गया और उसके बाद यहाँ पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। उसके बाद दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी है इन्वेस्टिगेशन, जो गुनहगार है उसको सजा कैसे तक पहुंचाया जाए, उनकी पहचान की जाए, उसके लिए दिल्ली पुलिस की कई टीमें लगातार काम कर रही है। 15 FIR दर्ज हुए हैं मीमांसा इस पूरे मामले में और ये भी जानकारी है एक अलग से एक FIR दर्ज की जा रही है जिसपे जिसकी जाँच स्पेशल सेल या क्राइम ब्रांच करेगी और वो
इस बात के लिए जांच करेगी कि इसके पीछे साजिश किसने की, क्या कोई इसके पीछे था, क्या जो लोगों ने झंडा फहराया वो किसके नेतृत्व में यहाँ पर आए, कौन इन्हें लेकर आया, कौन नेता है या बैक के पीछे कौन काम कर रहा है। सबसे पहले बता दूं कि 26 जनवरी से ठीक पहले दिल्ली पुलिस के जो विजिलेंस के जो स्पेशल सीपी थे दीपेंद्र पाठक, उन्होंने एक मीट प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है कि पड़ोसी देश से लगभग साजिश रची जा रही है। 300 से ज्यादा ट्विटर हैंडल का इस्तेमाल यहां पर हो रहा है दंगा भड़काने के लिए। तो कहीं ना कहीं तमाम बातों को लेकर जांच की जा रही है और सीसीटीवी फुटेज हो, व्हाट्सएप ग्रुप हो, व्हाट्सएप चैट, किसानों का जो नेता है उनको एनालिसिस किया जा रहा है, उनके भाषणों को, कि मीटिंग में जो रूट तय की गई थी उस रूट के हिसाब से वो नहीं निकले, वो आगे बढ़ते रहे, तय समय से पहले अपनी रैली निकाली, तमाम बातों को लेकर जो रूट निर्धारित किया गया था उसको फॉलो ही नहीं किया गया। मैं आपके पास आ रही हूँ, राकेश टिकैत कुछ बोल रहे हैं, उनकी बात सुन लेते हैं फिर मैं आपके पास आती हूँ। प्रशासन ने पूर्ण रूप से दिल्ली जाने का रास्ता उनको दिया, वे लोग दिल्ली में चले गए, दिल्ली से जाकर अपने घर चले गए, कुछ लोग भटक के लाल किले की साइड में गए, वे वहां से फिर घूम कर पुलिस ने उनका सहयोग करा वहां पर, उनको फिर उनसे पूछा कि आप कहाँ के रहने वाले हो, कि हम बड़ोद साइड के रहने वाले, तो उनको फिर गाजीपुर वाला वो रास्ता दे दिया उनको, वजीराबाद वाला, उन्हें निकाल ले सब लोग। पुलिस कह रही है कि किसानों की तरफ से कल जो उत्पात मचाया गया है वो सही नहीं है। देखो, जिसने उत्पात मचाया है वो भुगतेगा, पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। जिसने झंडा फहराया वो कौन आदमी था, मतलब एक कौम को बदनाम करने की बड़ी साजिश पिछले 2 महीने से चल रही, ये सिखों का आंदोलन है, ये सिखों का आंदोलन है, अरे तो किसानों का आंदोलन है भाई। जो दीप संधू है वो कोई सिख थोड़ा है, वो एक उत्पादी है, बीजेपी का वर्कर है, प्रधानमंत्री के साथ में फोटो है, सन्नी देओल का प्रतिनिधित्व करता है। एक कौम को बदनाम करने की साजिश जो रची जा रही है, ये आंदोलन किसानों का है, ये आंदोलन किसानों का ही रहेगा, जो हमारे इशू है वे रहेंगे, हमारे धरने बादस्तूर जारी रहेंगे। सर, कुछ लोगों को आपने भी चिन्हित किया जो आपके साथ? हाँ बिल्कुल चिन्हित करा, यहाँ पे वे लोग भी हैं कि जिनको आज ही ये स्थान छोड़ना पड़ेगा, जिन्होंने सामने से हमारे कहने के बावजूद सामने से बैरिकेडिंग तोड़े, उन लोगों को आज ही यह स्थान छोड़ना पड़ेगा और वे कभी भी मूवमेंट का हिस्सा नहीं बनेंगे। सर, कुछ टेलीविजन आपके एक वीडियो, हाँ वीडियो बना रहे हैं, हाँ बताओ हाँ, हमने ये कहा कि अपना डंडा लेकर आना, झंडा लगेगा उसमें, बगैर डंडे का झंडा मुझे बता दो भाई कैसे लगता है, मैं आपकी बात मान लूंगा, अपनी गलती मान लूंगा, मुझे वो हुनर बता दो। अरे जब तिरंगा झंडा कभी जीवन में पकड़ा ही नहीं किसी ने, वो बता रही बात। हाँ भड़काओ कर रहे टीवी चैनल वाले, तो मैं वो कर लग रहा है, वो भड़का लग रहे, मैं को आतंकवादी हूँ भड़का लग रहा है, मैं किसान हूँ, ट्रैक्टर और किसानों का नेतृत्व करता हूँ, उनकी लड़ाई लड़ता हूँ, हिंसक में मेरा कोई विश्वास नहीं है। जो आदमी भी हिंसक उसमें पाया जाएगा उसको स्थान छोड़ना पड़ेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। आगे की रणनीति धरना बादस्तूर जारी रहेगा। यही हमारे 3 इशू हैं, 3 बिल वापसी और MSP पे कानून बने और सरकार बात करे। तो बदनाम करने की साजिश हो रही है, लेकिन ये सिर्फ किसानों का आंदोलन है और मैं किसान हूं, ये राकेश टिकैत बोलते हुए, और ये जिस किसी ने भी वहां पर उत्पात मचाया, हिंसा की, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, वो पकड़े जाएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन पल्ला कहीं ना कहीं उन्होंने झाड़ दिया राजू राज, कि उनका कोई लेना देना नहीं है इस हिंसा से, हिंसा के वो विरोधी हैं। देखिए ये देखिए मीमांसा, निश्चित तौर पर तमाम जो नेता हैं अब अपना पल्ला झाड़ने के अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं बचता है, क्योंकि अगर उनको तय सीमा दिया गया था तो क्या वजह है कि जो तमाम जो किसान थे उनके समर्थक थे वो तय समय से पहले निकले, उनको रोकना चाहिए था, चाहे वो सिंगू बॉर्डर में तमाम किसान नेता हों या फिर गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे हुए। और जब ये ट्रैक्टर रैली निकल रही थी तो उन्हें आगे नेतृत्व करके उनको उसी जगह पर रोकना चाहिए था जहां पर सरकार ने प्रस्तावित दिया। राकेश टिकैत ने एक बात तो साफ तौर पर कह दिया कि किसानों को रास्ता नहीं पता, खुद राकेश टिकैत ट्रैक्टर पर बैठ के आगे का नेतृत्व कर रहे थे। और जब राकेश टिकैत बारे जब उनको दिल्ली पुलिस ने आनंद विहार से यू टर्न लेने की बात कही थी, राइट लेने के लिए अप्सरा बॉर्डर जाने की बात कही थी, और उसके बाद ये बात चली थी अक्षरधाम से यू टर्न ले लेंगे, तो क्या अक्षरधाम से यू टर्न क्यों नहीं लिया गया?
क्यों आगे किसान बढ़ते गए, ये एक बड़ा सवाल है। शायद इन्हीं सवालों के जवाब से तमाम जो किसान नेता हैं वो भाग रहे हैं और उनके नेतृत्व में तमाम जगह पर देखें, चाहे सिंगू बॉर्डर हो, टिकरी बॉर्डर हो या फिर गाजीपुर बॉर्डर हो, जो तय सीमा 12 बजे का रखा गया था और इन्होंने 9:30 और 10 के बीच ही बैरिकेटिंग तोड़ी। पहली बैरिकेटिंग गाजीपुर बॉर्डर पर भी तोड़ी गई, टिकरी बॉर्डर पर भी तोड़ा गया, इसके अलावा सिंगू बॉर्डर पर तोड़ा गया। क्या उस समय इन तमाम लोगों को रोका नहीं जा सकता था क्या, या फिर इनको इस बात का अंदाजा नहीं था? आप अपने आप को नेता कहते हैं, जो आपके समर्थक हैं वो आपकी बात नहीं मान रहे हैं, तो आपको ये निर्णय नहीं लेना चाहिए क्योंकि ये देश की बात है। अगर आप दिल्ली में आए हैं तो अगर लाल किला आने की जरूरत, लाल किला पहुंच के यहाँ पर झंडा फहराने के लिए कैसे आ गए? तो कहीं ना कहीं आप जो नेतृत्व कर रहे हैं उस नेतृत्व पर जो समर्थक हैं उस पर भी भरोसा नहीं, वो आपकी बात को नहीं माना, तो तमाम ऐसे सवाल हैं। आप इस तरीके से पल्ला नहीं जा सकते, हम भरोसा दिलाते हैं शांतिपूर्वक तरीके से मार्च होगा, तो फिर भरोसा फिर किस पर किया जाए? और ये कहना कि रास्ता भटक गए, तो रास्ता भटकना क्या 3-3 बॉर्डर्स पर से रास्ता भटक गए और पहुंच गए लाल किले की प्राचीर पर और वो भी झंडा फहरा दिया? Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.